सब्सक्राइब करें वाइंदा गुरु यूट्यूब चैनल को। अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करें ताकि आपको सारे वीडियोस का अलर्ट मिलता रहे। थैंक यू। सब्सक्राइब करें वाइंदा गुरु यूट्यूब चैनल को। अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करें ताकि आपको सारे वीडियोस का अलर्ट मिलता रहे। थैंक यू। Hello and welcome to MahindraGuru.com's official YouTube channel, and you are watching the Master Current Affairs on the morning of 11th May 2017. जी हाँ, 11 मई 2017 की एक बार फिर से सुबह हो चुकी है, दिन की शुरुआत हो रही है महिंद्रा गुरु के साथ। तो जल्दी से तैयार हो जाइए अपने ब्रेकफास्ट टीज एंड कॉफीज के साथ, सो दैट यू कैन गेट बेनिफिटेड बाय ईच एंड एवरी हेडलाइन provided in this session. Master Current Affairs session is designed for you all so that you can prepare for SBI PO 2017 mains examination as well as all the upcoming examinations too. So let's get ready for the session. देखते हैं आज की headlines क्या लेके आपके लिए आई हैं. But yes, एक बार आपको शुरू में ही बता दें कि do share the link on WhatsApp and Facebook so that maximum of your friends can join this session और वो देख पाए, जुड़ पाए हमारे साथ और हर एक headline को filtered format में, accurate format में पढ़ सके, देख सके और आगे proceed कर सके. So किसी का wait करना क्या यहाँ पे, जल्दी से बढ़ जाते हैं, देखते हैं headlines क्या है. And yes, a very good morning to all the candidates once again. जल्दी से तैयार हो जाइए, concentrate, focus and listen to each and every word very clearly, क्योंकि हर एक word बहुत important है. हर एक word के साथ बहुत सारी चीजें, बहुत सारी बातें हम आज यहाँ discuss करने वाले हैं. So let's proceed with the session and let's move on to the first headline. पहली हेडलाइन की तरफ हम बढ़ रहे हैं. सो अब सारा कॉन्सेंट्रेशन आपका रहेगा स्क्रीन के ऊपर. ये रही पहली हेडलाइन. इंडियन वुमेन्स टीम फास्ट बॉलर जूलन गोस्वामी बिकेम द हाईएस्ट विकेट टेकर इन हिस्ट्री ऑफ वनडे इंटरनेशनल्स. भारतीय महिला टीम की तेज गेंदबाज जूलन गोस्वामी एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के इतिहास में सर्वाधिक विकेट लेने वाली गेंदबाज बन गई हैं. सो अगर हम बात करें, सो यस, वी आर टॉकिंग अबाउट द वुमेन्स क्रिकेट टीम. बेसिकली अगर हम वर्ल्ड वाइड बात करें, इंटरनेशनल लेवल पे वी आर टॉकिंग अबाउट द वुमेन्स क्रिकेट टीम. और वुमेन्स क्रिकेट टीम का डिस्कशन यहाँ पे हो रहा है तो उसमें भारत की जूलन गोस्वामी का नाम निकल के आया. जूलन गोस्वामी इज नॉट ओनली अ बॉलर बट ऑल्सो अ गुड बैट्समैन टू. तो यहाँ पे वो दोनों ही तरीके से टीम के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियली खेलती हैं. जूलन गोस्वामी को और क्या क्या उपाधि से नवाजा गया था और क्या क्या उनको टाइटल दिए गए थे, बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल देखना. तो लेट्स प्रोसीड, देखते हैं यहां पे पर्टिकुलर क्या इसके सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हो सकते हैं, क्या इसकी इंपॉर्टेंट डिटेलिंग्स हो सकती हैं, किस पे हमको फोकस करना है इस बेसिक हेडलाइन को देखते हुए. तो लेट्स सी, सबसे पहले बात वही करते हैं, हाईएस्ट विकेट टेकर इन हिस्ट्री इन ओडीआईज. दैट मींस अगर वर्ल्ड वाइड बात करें, सो वुमेन्स क्रिकेट के लिए एक ही नाम निकल के आया है एंड दैट इज इंडिया जूलन गोस्वामी. जूलन गोस्वामी जी की अगर हम बात करें, सो 181 विकेट्स इन 50 ओवर फॉर्मेट. क्योंकि अगर हम ओडीआईज की बात कर रहे हैं, वन डे इंटरनेशनल्स की बात कर रहे हैं, सो 181 विकेट लेके उन्होंने ये खिताब हासिल किया है. अब 181 विकेट तो लिया ही है, किसका विकेट लेने के बाद उनको ये उपाधि प्राप्त हुई? सो यस, डेफिनेटली विक्टिम कहेंगे क्योंकि साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेलते हुए राइसीबी नटोजाका का उनने विकेट लिया. तो राइसीबी नटोजाका का विकेट लेते हुए 181वां विकेट उनका पूरा हुआ और 50 ओवर के फॉर्मेट में वो बन गई विश्व में सबसे पहले हाईएस्ट विकेट टेकर विमेन्स क्रिकेट की अगर हम बात करें. तो इसके बाद अगर बात करें आगे, तो यस, देखा है सीधा सीधा सा कि सरपास किया है ऑस्ट्रेलियन कैथरीन फिट्ज़पैट्रिक को. तो यहाँ डेफिनेटली बात अगर करें, सो ऑस्ट्रेलियन कैथरीन फिट्ज़पैट्रिक को इन्हें ओवर सरपास किया है. क्यों किया है? क्योंकि सबसे पहले कैथरीन फिट्ज़पैट्रिक का ही नाम आता था जो कि ऑस्ट्रेलियन प्लेयर है एज द हाईएस्ट विकेट टेकर. बट यस, अब जूलन गोस्वामी जी का नाम यहाँ पे निकल के आएगा जो कि इंडिया के लिए डेफिनेटली खेलती है. आगे इससे और डिटेलिंग्स की अगर हम बात करें, सो गोस्वामी के लिए एक बात और यहाँ निकल के आती है कि गोस्वामी वॉज ऑल्सो एडजस्ट आईसीसी विमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर इन 2007. 2007 में उनको आईसीसी की विमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर का खिताब भी नवाजा गया था. तो जूलन गोस्वामी की अगर हम बात करें तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्लेयर है इंडियन क्रिकेट टीम की. आगे एक बात और निकल के आती है कि गोस्वामी ने 40 विकेट 10 टेस्ट में, 50 विकेट 60-20-20 इंटरनेशनल्स में भी लिए हैं. दैट मींस काउंटेबल है. ओडीआई में तो उनका खिताब निकल के आई है एज द हाईएस्ट विकेट टेकर. बट यस, अगर हम टेस्ट मैचेस की बात करें या तो फिर 2020 इंटरनेशनल मैचेस की बात करें, सो 40 विकेट्स इन 10 टेस्ट और 50 विकेट्स इन 60-20-20 इंटरनेशनल्स का उनका रिकॉर्ड कहीं ना कहीं मेंटेन है. सो यस,
इस न्यूज हेडलाइन की अगर बात करें तो डेफिनेटली जूलन गोस्वामी जी का नाम आपको ध्यान रखना है, क्योंकि क्वेश्चन इससे इस तरीके से फ्रेम हो सकता है कि हु हैज सरपास्ड कैथरीन फिट्ज़पैट्रिक, या तो फिर हाईएस्ट विकेट टेकर इन द हिस्ट्री ऑफ ओडीआईस कौन बन चुका है। सो नाम निकल के आएगा उसका जूलन गोस्वामी। लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट हेडलाइन। अगली हेडलाइन की अगर हम बात करें सो ये रही आपके सामने, हिमाचल प्रदेश साइन एन अग्रीमेंट विद अ बेलारूशियन कंपनी फॉर स्टार्टिंग अ स्काईवे ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी इन द टूरिस्ट डेस्टिनेशन ऑफ धर्मशाला। हिमाचल प्रदेश ने धर्मशाला में स्काईवे परिवहन सुविधा शुरू करने के लिए बेलारूस की एक कंपनी के साथ समझौता किया। सो अब बात यहां पे आ रही है हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश भारत के 29 राज्यों में से एक राज्य, और हिमाचल प्रदेश की कैपिटल की अगर हम बात करें तो शिमला और धर्मशाला दोनों ही, क्योंकि विंटर कैपिटल और समर कैपिटल के रूप में दोनों को ही जाना माना जाता है, शिमला एंड धर्मशाला। अब बात करें आगे तो यहां पे बेलारूशियन कंपनी का रोल कॉल निकल के आया है। क्या निकल के आया है? स्काईवे ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के लिए प्रोवाइड करने के लिए। दैट मींस कहीं ना कहीं इंडिया की टूरिज्म को तो इनहांस करेगा ही, बट यस यहां पे अगर ट्रांसपोर्टेशन की बात करें, कम्यूटेशन की बात करें, तो उस पे भी बेसिक काम यहां पे होने वाला है, निकलने वाला है। तो हिमाचल प्रदेश का अग्रीमेंट साइन हुआ है बेलारूशियन कंपनी से, और क्या क्या एस्पेक्ट्स है और क्या क्या प्रोस्पेक्ट्स है, चलिए उस पर डालते हैं नजर। सबसे पहली बात, हिमाचल प्रदेश और बेलारूशियन कंपनी का दोनों का कोलैबोरेशन यहां निकल के आया है, अग्रीमेंट निकल के आया है। किस लिए निकल के आया है? तो सामने बात है आपके एज इट इज ऑन द स्क्रीन कि स्काईवे टेक्नोलॉजी कॉर्पोरेशन, अ ट्रांसपोर्ट एंड इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट कंपनी ऑफ बेलारूस, बेलारूस की किस कंपनी ने कोलैबोरेट किया है, ये अग्रीमेंट साइन किया है हिमाचल प्रदेश के साथ। तो नाम रहा आपके सामने कि अगर हम बात करें यहाँ पे तो स्काईवे टेक्नोलॉजी कॉर्पोरेशन है, ट्रांसपोर्ट एंड इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट कंपनी बेलारूस की जो है डेफिनेटली। अब आगे अगर बात करें तो ये प्रोवाइड करने वाला है कि धर्मशाला वुड बी द फर्स्ट टाउन इन द स्टेट टू प्रोवाइड दिस ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी एट रीजनेबल रेट्स। दैट मीन्स पहला ऐसा टाउन होगा उस राज्य का जो कि ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी को रीजनेबल रेट्स पे प्रोवाइड करेगा। रीजनेबल रेट्स दैट मीन्स कॉमन मैन के लिए, कॉमन पर्सन्स के लिए धर्मशाला एक पहला ऐसा शहर निकल के आएगा इस राज्य में जो कि बहुत ही रीजनेबल माइन्यूट रेट्स पे कम्यूटर्स को ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा। आगे अगर और एक बार बात करें तो एम क्या है इस फैसिलिटी का, वो भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हर एक न्यूज हेडलाइन की अगर हम बात करें सो डेफिनेटली एम इसका है द फैसिलिटी वुड बी टू अट्रैक्ट टूरिस्ट इन द स्टेट्स। मतलब वही चीज है जैसा शुरू में हमने आपसे कहा कि टूरिज्म को अट्रैक्ट करने के लिए, टूरिज्म को सपोर्ट करने के लिए, कंट्री को और आगे प्रोसीड करने के लिए और आगे डेवलप कराने के लिए डेफिनेटली यहाँ पे ये चीज निकल के आई है। तो बेसिक इसका एम यही है टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए। टूरिस्ट अट्रैक्ट होंगे सो डेफिनेटली कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट्स या तो फिर एक्सपेंडिचर्स पे जो काम होते हैं या तो फिर इनकम की बातें जो होती हैं उसको इंप्रूव किया जा सकता है। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे अगर हम देखें तो कमेंट बॉक्स में बिल्कुल प्रियम गुप्ता जी ये पूछ रहे हैं कि स्काईवे ट्रांसपोर्ट क्या है। स्काईवे ट्रांसपोर्ट बेसिकली काम करता है एयरवेज के रोड्स को डेवलप करने का या तो फिर रेलवे लाइंस के वहां पे रोड्स को डेवलप करने का। दैट मींस कम्यूटेशंस को और ज्यादा इनहांस और प्रॉपर डेवलप करने के लिए स्काईवे टेक्नोलॉजी कॉर्पोरेशन डिजिटलाइजेशन के थ्रू काम करती है, राइट? तो बेलारूस की कंपनी है, हिमाचल प्रदेश के साथ इसका अग्रीमेंट हुआ है। तो आप सभी से यहाँ पे डेफिनेटली यहाँ पे अगर बात करें पार्ट साथी धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में ही है। सो यस, इसी के साथ अगर आगे प्रोसीड करें तो आगे की और न्यूज हेडलाइंस पे बढ़ेंगे और आप सभी यहां पे बिल्कुल बढ़ते रहे, सारे के सारे हेडलाइंस के साथ कनेक्ट होते रहे। एंड यस, यू कैन ऑल्सो शेयर ऑल योर व्यूज क्वेश्चंस, बिकॉज यस आपके क्वेश्चंस यहां पे हम लेके आंसर करने की कोशिश डेफिनेटली करेंगे। सो यू कैन आस्क ऑल योर क्वेरीज इन द कमेंट बॉक्स। तो यहां पे आशीष दीक्षित, अभी थोड़ी देर पहले अभी हमने यहां पे बताया कि स्काईवे ट्रांसपोर्ट क्या करता है। सुप्रियम गुप्ता, आपको भी इस चीज का आंसर डेफिनेटली मिल गया होगा कि स्काईवे टेक्नोलॉजी कॉर्पोरेशन की अगर हम बात करें सो स्काईवे ट्रांसपोर्ट एयरवेज के रोडवेज को डेवलप करता है, एक लंबा चौड़ा एयरवेज की बात होती है, या तो फिर अभी आगे जाके और बात किया जाए सो पर्टिकुलरली क्या यहाँ पे निकल के आता है, यस, तो उस सारी बातों पर आपको फोकस करना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगली हेडलाइन की तरफ। क्या है नेक्स्ट हेडलाइन? हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड फैक्ट्स तो आप सभी जानते ही है, कैपिटल्स की बात, सीएम की बात और वहां के गवर्नर की बात। तो ये सारी की सारी बातें आप यहाँ कमेंट बॉक्स में शेयर कर भी सकते हैं, क्योंकि इन द मैक्सिमम ऑफ आर सेशंस वी हैव डिस्कस द स्टेट कैपिटल, स्टेट चीफ मिनिस्टर एंड स्टेट गवर्नमेंट एज वेल, राइट? तो चलिए बढ़ते इसी के साथ टू द नेक्स्ट हेडलाइन।
Public Sector Indian Overseas Bank appointed R. Subramania Kumar as its Managing Director and Chief Executive Officer. सार्वजनिक क्षेत्र के इंडियन ओवरसीज बैंक ने आर सुब्रमण्य कुमार को बैंक का प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी नियुक्त किया. सो अगर बात करें यहाँ सार्वजनिक क्षेत्र के इंडियन ओवरसीज बैंक की बात है, ये इंडियन ओवरसीज बैंक आईओबी के नाम से जिसको हम जानते हैं. सो डेफिनेटली आईओबी की अगर बात करी जाए, सो आईओबी की बात यहाँ पे निकल के आई है. मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का अपॉइंटमेंट है सामने. दैट मीन्स वन अपॉइंटमेंट न्यूज इज हियर. नाम याद रखना है आर सुब्रमण्य कुमार, और आर सुब्रमण्य कुमार कोई नया नाम नहीं है आईओबी से रिलेटेड. ये पहले भी आईओबी से जुड़े हुए थे. दैट मीन्स इंडियन ओवरसीज बैंक में ये ऑलरेडी कार्यरत थे. कैसे कार्यरत थे, क्या काम अब ये करेंगे और किस तरीके से आगे प्रोसीड करेंगे, इंडियन इकोनॉमी को सपोर्ट कैसे करेंगे, क्योंकि बात यहाँ पे आईओबी बैंक की आ रही जो कि वन ऑफ द लीडिंग बैंक है इन आर कंट्री. तो कैसे और क्या क्या चीजें होंगी, सो डेफिनेटली डालते हैं उस पर नजर. सबसे पहली बात तो इंडियन ओवरसीज बैंक के अपॉइंटमेंट की बात आई है, सो आर सुब्रमण्य कुमार का नाम आता है. आर सुब्रमण्य कुमार को अपॉइंट कर दिया गया है एज द एमडी एंड सीईओ. एमडी और सीईओ की अगर बात करें, सो ये फॉर्मर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे. दैट मीन्स दिस इज इंपॉर्टेंट. आईओबी के ये फॉर्मर ईडी थे. ईडी मतलब एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की पोस्ट पे ऑलरेडी ये कार्यरत थे, तो उससे इनको एक्सेलरेट कर दिया है. दैट मीन्स एक्सेलरेट हो गए हैं ये और अब बन चुके हैं मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ इंडियन ओवरसीज बैंक के ही. इसी के साथ कई सारे बैंक्स में फ्लक्चुएशंस हुए हैं, ट्रांसफॉर्मेशंस हुए हैं, पासेस हुई है एमडी और सीईओ के पोस्ट की. बट यस, इंपॉर्टेंट ये न्यूज इसीलिए है क्योंकि सेम अगर हम बात करें तो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स को आगे बढ़ा के एमडी और सीईओ के पद पे कार्यरत करा दिया गया है. सो आर सुब्रमण्य कुमार इनका नाम यहाँ निकल के आता है. अगले महीने की अगर हम बात करें, सो डेफिनेटली अगले महीने से अपना कार्यभार शुरू कर सकते हैं. इसके बाद अगर आगे बात करें, सो इंडियन ओवरसीज बैंक से रिलेटेड फैक्ट्स तो डेफिनेटली यहाँ डिस्कस करना बन ही जाता है. आईओबी के हेडक्वार्टर्स, जैसा कमेंट बॉक्स में आप यहाँ लिख भी रहे हैं कि आईओबी के हेडक्वार्टर की बात अगर करेंगे तो चेन्नई का नाम निकल के आता है. इंडियन ओवरसीज बैंक ही ना सही पर बैंक्स के हेडक्वार्टर्स के लिए थोड़े ही दिन पहले स्टैटिक जीके में आपके सामने ट्रिक्स शेयर की गई थी टू हाउ टू लर्न द हेडक्वार्टर्स ऑफ बैंक. तो उसमें कहीं ना कहीं बताया गया था कि इंडियन ओवरसीज बैंक का हेडक्वार्टर चेन्नई कैसे याद रखा जा सकता है. टैगलाइन की बात करेंगे, सो यस, गुड पीपल टू ग्रो विथ हो जाता है इंडियन ओवरसीज का टैगलाइन. सो अब अगर बात करें यहाँ पे तो सीईओ और एमडी का नाम अब आपको याद रखना है आर सुब्रमण्य कुमार एज इट इज रहेगा. बिल्कुल पार्थ सारथी जी, उषा आनंद सुब्रमण्यम इज द सीईओ ऑफ पीएनबी, जिनका नाम सीईओ ऑफ अलाहाबाद बैंक के लिए अनाउंस हुआ है. इसके साथ ही सात पीएसबीज में अपॉइंटमेंट्स हुए हैं, वो इधर से उधर से इधर शिफ्ट हुए हैं डेफिनेटली. तो ये सारी की सारी न्यूज हेडलाइंस इंपॉर्टेंट थी, पर आईओबी की न्यूज हेडलाइन को ही सिर्फ हमने क्यों यहाँ न्यूज सेशन में इंक्लूड किया. रीजन सीधा सीधा सा है कि आपका यहाँ निकल के आता है कि एमडी और सीईओ उसी को बनाया गया जो फॉर्मर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे. टैगलाइन की बात आती है, सो टैगलाइन याद रखना है गुड पीपल टू ग्रो विथ, राइट. तो जल्दी से बढ़ते हैं अगली हेडलाइन की तरफ. कब बने हैं, सो ये अनाउंसमेंट डेफिनेटली अभी रिसेंट ही हुआ है और अगले महीने से ये अपना कार्यकाल संभालेंगे. तो चलिए लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट हेडलाइन. सीनियर डिप्लोमैट वीनू राजामौनी, करेंटली द प्रेस सेक्रेटरी टू प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी, हैज बीन अपॉइंटेड एज इंडियाज एम्बेसडर टू नीदरलैंड्स. दैट मीन्स राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के प्रेस सचिव एवं वरिष्ठ राजनयिक वेणू राजमणि को नीदरलैंड में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया. सो बात अगर करें यहाँ पे, सो डेफिनेटली वन मोर अपॉइंटमेंट. अब एक और अपॉइंटमेंट यहाँ निकल के आया है. अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एम्बेसडर के अपॉइंटमेंट की बात हुई, दैट मीन्स नेशनल टू इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट की हम बात कर रहे हैं. नीदरलैंड्स के लिए इंडिया के एम्बेसडर के रूप में नियुक्त कर दिया गया है प्रेस सचिव, राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के प्रेस सचिव एवं वरिष्ठ राजनयिक वेणू राजमणि को. तो वेणू राजमणि का नाम यहाँ निकल के आया है एज द नीदरलैंड के राजदूत के रूप में. राजदूत क्या होता है, एम्बेसडर क्या होता है, ये हम कल भी डिस्कस कर चुके थे कि एक कंट्री और दूसरे कंट्री के बीच में जो मीडिएटर्स होते हैं, या तो फिर ट्रांसफॉर्म करने के लिए, इंफॉर्मेशन इश्यूज रिजॉल्व करने के लिए, एक कंट्री का रिप्रेजेंटेटिव जो दूसरी कंट्री में होता है, दैट इज कॉल्ड एन एम्बेसडर, जो हमारे कंट्री के सारे मूव्स मोटिव्स को दूसरे कंट्री के सामने रखता है एक प्रॉपर वे में. सो दैट इज कॉल्ड बेसिकली व्हाट द पर्टिकुलरली एम्बेसडर.
वहीं अगर हम आगे बात करें तो यस, राजमणि का नाम यहाँ पे इम्पोर्टेंट इसीलिए हो जाता है क्योंकि अभी हाल फिलहाल ये प्रणब मुखर्जी जी के प्रेस सचिव के रूप में काम कर रहे थे। आगे बात करेंगे इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट्स की, तो डेफिनेटली एक नाम यही है इंडियाज एम्बेसडर टू नीदरलैंड। इंडियाज एम्बेसडर टू नीदरलैंड के रूप में वीनू राजमणि का रिक्रूटमेंट हुआ है। रिक्रूटमेंट नहीं कहेंगे, अपॉइंटमेंट कहना बिल्कुल सही होगा। अब बात करें सो डेफिनेटली इनसे जुड़े फैक्ट्स यही है कि फॉर्मर प्रेस सेक्रेटरी टू प्रेसिडेंट थे। अब फॉर्मर प्रेस सेक्रेटरी टू प्रेसिडेंट थे तो ये इंपॉर्टेंट इसीलिए है, ये पर्सनालिटी इंपॉर्टेंट इसीलिए हो जाती है क्योंकि ये कहीं ना कहीं राष्ट्रपति से जुड़े हुए थे। अब राष्ट्रपति से अगर जुड़े हुए थे सो डेफिनेटली इनका नाम तो आपका कहीं ना कहीं न्यूज हेडलाइन में बन ही जाता है। इसके अलावा अगर हम फैक्ट्स की बात करें सो डेफिनेटली हम एक चीज यहाँ चाहते हैं कैंडिडेट से कि कंटिन्यूअसली इन द कमेंट बॉक्स आप कमेंट कर भी रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में आप जरा नीदरलैंड से रिलेटेड डिटेल्स भी शेयर करें। सो डेफिनेटली ये बाकी सारे कैंडिडेट्स के लिए भी शेयर आउट करना इंटरेस्टिंग होगा और आप सभी से हमारा कंटिन्यूअस इंटरेक्शन बना रहेगा। पार्थ सारथी ने डेफिनेटली यहां मेंशन कर दिया है कैपिटल है एम्स्टर्डम, तो चलिए कैपिटल तो एम्स्टर्डम पता चल ही गया। वहीं अगर इसकी करेंसी पे बात करें सो नीदरलैंड की करेंसी क्या है, सौरभ दुबे वेरी नाइस यूरो। कीर्ति गुप्ता भी टाइप कर रही है कि करेंसी है यूरो। सो दिस मेक्स अ सेंस कि जिस भी कंट्री की हम बात करते हैं, जिस भी पर्टिकुलर लोकेशन की हम बात करते हैं, आप सभी उससे कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अवेयर होते हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, यहाँ पे कैंडिडेट्स का जो पार्टिसिपेशन होता है दैट इज़ वेरी नाइस। अब इसके अलावा अगर बात करें सो एक बात और निकल के आती है यहाँ पे जिसको हम लोग डेफिनेटली डिस्कस करेंगे, इंडिया के अम्बेसडर जो कि वेनू राजमौनी के रूप में ही है, एक पॉइंट और है कि राजमौनी क्या करेंगे। राजमौनी विल ऑल्सो बी द इंडियाज परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू द ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रिवेंशन ऑफ केमिकल वेपन्स बेस्ड इन द हेग एंड कवर द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो बात अगर करें तो राजमौनी का दो तरीके से अपॉइंटमेंट सामने आया है। पहला, एक तो ये निकल के आया है कि आपका ये नीदरलैंड के एम्बेसडर होंगे इंडिया की तरफ से। दूसरा, राजमौनी जो होंगे वो इंडिया के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव होंगे ऑर्गेनाइजेशन में, जिसका काम होगा क्या, वो प्रिवेंशन ऑफ केमिकल वेपन्स बेस्ड इन द हेग एंड कवर द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। दैट मीन्स इनका कार्यभार जो है अब प्रेस सेक्रेटरी प्रेसिडेंट के, राष्ट्रपति के प्रेस सचिव के रूप में ना होके नीदरलैंड के एम्बेसडर के रूप में होगा। इसके अलावा अगर बात करें सो ये काम करेंगे परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव, दैट मींस एक फिक्स फॉर्म में टू द ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रिवेंशन ऑफ केमिकल वेपन्स बेस्ड इन द हेग एंड कवर द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो ये दोनों के दोनों पोस्ट या दोनों के दोनों अपॉइंटमेंट्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं क्योंकि केमिकल वेपन्स की अगर बात करें सो प्रिवेंशन ऑफ केमिकल वेपन्स, सेफ्टी सिक्योरिटी की बात करें सो यस, कहीं ना कहीं ये बातें इंपॉर्टेंटली निकल के आती हैं। बिल्कुल यहाँ देखें तो कैंडिडेट्स कंटिन्यूअसली शेयर करें, दैट इज अप्रिशिएबल। प्राइम मिनिस्टर की बात करें, मार्क रूटे का नाम, मार्क रूटे की बात हो रही है यहाँ पे, सो डेफिनेटली एसपीएम नीदरलैंड के मार्क रूटे ही हैं। और इंडिया की बात करें सो इंडिया के डिस्कशन का तो बात वहाँ पे बनता ही नहीं है बिकॉज इंडिया के प्रेसिडेंट का नाम तो हमारे पास इस न्यूज हेडलाइन में था ही, दैट इज मिस्टर मुखर्जी, प्रणब मुखर्जी। एंड यस, द प्राइम मिनिस्टर एवरीबडी इज फेवरेट, नरेंद्र मोदी जी का नाम वहाँ पे आपको ध्यान रखना है। इसी के बाद अगर बात करें सो सारे के सारे फैक्ट, सारी की सारी बातें आपके सामने डिटेलिंग में एज इट इज दी हुई है, तो जिनको आपको याद भी रखना है, प्रोसीड भी करना है और उसके साथ आपको आगे बढ़ते चलना है बिकॉज हर एक हेडलाइन, हर एक प्रोस्पेक्ट इंपॉर्टेंट होता है, हर एक प्रोस्पेक्ट इंपॉर्टेंट होता है, हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट होता है, क्वेश्चन कहीं से भी किसी भी तरीके से बन सकता है। तो चलिए बढ़ते इसी के साथ टू द नेक्स्ट हेडलाइन, अगली हेडलाइन की तरफ देखते हैं और उसमें देखते हैं क्या है फैक्ट्स जिनको हमें डिस्कस करना है। सो हियर इज द हेडलाइन, उत्तराखंड की बात आई है। उत्तराखंड पुलिस सिटी पेट्रोल यूनिट सीपीयू हैज वन फिकीज स्मार्ट पॉलिसिंग अवार्ड फॉर 2017 इन द रोड सेफ्टी फॉर ट्रैफिक मैनेजमेंट कैटेगरी। उत्तराखंड पुलिस की शहरी गश्त इकाई ने सड़क सुरक्षा एवं यातायात प्रबंधन के क्षेत्र में सराहनीय कार्य के लिए फिक्की का स्मार्ट पॉलिसिंग पुरस्कार जीता है। अब फिक्की की बात यहाँ निकल के आई है, फिक्की की बात अगर निकल के आई है सो उत्तराखंड की पुलिस को ये अवार्ड मिला है। उत्तराखंड की पुलिस को डेफिनेटली अवार्ड मिला है, किस लिए मिला है, द बेसिक कंट्रोलिंग पावर के लिए। और कंट्रोलिंग पावर कहीं ना कहीं अगर हम देखें सो डेफिनेटली ये इंपॉर्टेंट होता है। क्यों इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि किसी भी स्टेट की बात करें, किसी भी राज्य की बात करें, किसी भी सिटी की बात करें सो पुलिस हैज़ ऑल द पावर्स टू कंट्रोल एंड टू फ्लक्चुएट ऑल द फंक्शनिंग ऑफ द सिटी वेरी वेल। तो यहाँ पे उत्तराखंड पुलिस का रोल बहुत अच्छे से सामने निकल के आया है।
आगे अगर फैक्ट्स की बात करें तो हम लोग उत्तराखंड के फैक्ट्स डिस्कस करेंगे। गोविंद कुमार जी ने जैसे शेयर कर भी दिया है, कैपिटल देहरादून, सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत, और गवर्नर की बात करें तो केसरी नाथ। तो डेफिनेटली यस, सारी की सारी बातें आप सभी के साथ यहाँ उत्तराखंड से तो रिलेटेड है ही इन द कमेंट बॉक्स, पर फिक्की स्मार्ट पुलिसिंग अवार्ड किसको मिला है वो जानना भी जरूरी है, और इस न्यूज हेडलाइन से और क्या प्रोस्पेक्ट्स इंपॉर्टेंट है उस पर नजर डालना भी जरूरी है। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे नाम आया है उत्तराखंड की पुलिस का, और उत्तराखंड की पुलिस का अगर नाम निकल के आया है सो किस कैटेगरी में उनको ये अवार्ड मिला है? फॉर द रोड सेफ्टी एंड ट्रैफिक मैनेजमेंट। रोड सेफ्टी एंड ट्रैफिक मैनेजमेंट की बात निकल के आई है। रोड सेफ्टी और ट्रैफिक मैनेजमेंट की अगर हम बात करेंगे सो डेफिनेटली ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कहीं ना कहीं सड़क परिवहन को अगर कंट्रोल कर पा रहे हैं, ट्रैफिक को कंट्रोल कर पा रहे हैं, सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और इसीलिए रोड सेफ्टी एंड ट्रैफिक मैनेजमेंट में फिक्की स्मार्ट पुलिसिंग अवार्ड मिला है उत्तराखंड की पुलिस को। अब इसको रिसीव कौन करेगा, देगा कौन? Award will be presented during the 9th edition of the annual conference on homeland security on May 24 and 25 at the FICCI headquarters in New Delhi. जैसा कि फिक्की से रिलेटेड फैक्ट्स की भी बात हमें करना बिल्कुल यहाँ बनता था, तो फिक्की से रिलेटेड एक फैक्ट तो यहाँ सामने निकल के आ गया कि हेडक्वार्टर्स जो है वो है न्यू दिल्ली में। इसके अलावा अगर बात करें सो अवार्ड प्रेजेंट कब किया जाएगा, सो अवार्ड विल बी प्रेजेंटेड ड्यूरिंग द 9th एडिशन ऑफ द एनुअल कॉन्फ्रेंस ऑन होमलैंड सिक्योरिटी ऑन 24th May and 25th। फिक्की के हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में ये काम होगा। सो बात करें डेफिनेटली अगर आगे प्रोस्पेक्ट की और क्या इससे बेसिकली जान सकते हैं, सो इस अवार्ड को रिसीव करने वाली है सबके बिहाफ पे निवेदिता कुकरेती। निवेदिता कुकरेती का नाम आपको याद रखना है, क्योंकि AIG है ये फॉर द स्टेट पुलिस, असिस्टेंट इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। असिस्टेंट इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस उत्तराखंड की कौन है? निवेदिता कुकरेती। सो अगेन वन वुमन इन द न्यूज हेडलाइन, अ लेडी विल रिसीव द अवार्ड इन बिहाफ ऑन बिहाफ ऑफ बेसिकली द स्टेट पुलिस। तो ये ध्यान रखना है, प्रेजेंट कब किया जाएगा? न्यू दिल्ली हेडक्वार्टर्स में किया जाएगा, 24-25 तारीख में किया जाएगा एनुअल कॉन्फ्रेंस जो होगी होमलैंड सिक्योरिटी की। रिसीव कौन करेगा? नाम है निवेदिता कुकरेती का, जो कि है AIG उत्तराखंड पुलिस की, जो सबके बिहाफ पे डेफिनेटली इसको रिसीव करेगी। सो ये सारे के सारे फैक्ट्स है जिसको हमने यहाँ पे डिस्कस किया। अब फिक्की की अगर हम बात करें सो यस, फिक्की के बारे में भी डेफिनेटली बात करेंगे। फिक्की का फुल फॉर्म सबसे पहले तो यहाँ जानते हैं, और कमेंट बॉक्स में आप सभी का इंट्रैक्शन, आप सभी का कोऑपरेशन और आप सभी का यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट डेफिनेटली यहाँ जो बना हुआ है दिखा हुआ है। सो यस, देखें यहाँ पे तो क्या है पर्टिकुलर फिक्की का फुल फॉर्म। फिक्की के फुल फॉर्म की बात करें सो आप सभी ने कहीं ना कहीं यहाँ डिस्कस किया भी था, चलिए हम बता देते हैं। फेडरेशन ऑफ इंडियन कॉमर्स, इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, राइट। तो फिक्की के फुल फॉर्म की बात अगर करेंगे सो फिक्की आपका है फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो फिक्की का फुल फॉर्म ये हो गया। अब यहाँ पे ये फेडरेशन काम क्या करती है? सो डेफिनेटली ये काम करती है बेसिकली सारे अपलिफ्टमेंट्स को लेके, ग्रोथ्स को लेके, डेवलपमेंट को लेके। योगिता अग्रवाल, वेरी गुड, आपने शेयर किया यहाँ पे फिक्की का फुल फॉर्म। रितपाल रॉय, आप भी शेयर कर रहे हैं। सो ये बातें इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर हम फैक्ट्स की बात करें सो फिक्की से रिलेटेड फैक्ट्स भी इंपॉर्टेंट है। उत्तराखंड से रिलेटेड फैक्ट तो हमने यहाँ डिस्कस किए ही थे। फिक्की की बात करेंगे सो फाउंडर की बात करें सो फिक्की के फाउंडर कौन थे? तो मिस्टर घनश्याम का नाम यहाँ पे निकल के आता है। और अगर बात करें घनश्याम के अलावा और किस नाम को आपको याद रखना है, सो यस, फाउंडेशन 1927 में हुआ था। और अगर बात करें यहाँ पे तो घनश्याम दास बिरला जी का नाम रहेगा याद यहाँ पे एज द फाउंडर, किस चीज के? फिक्की के। फिक्की ने अवार्ड दिया है किसको? उत्तराखंड पुलिस को, स्मार्ट पुलिसिंग अवार्ड के लिए, कंटिन्यूस पेट्रोलिंग के लिए। कंटिन्यूस बोला जाए तो कंटिन्यूस पेट्रोलिंग या तो फिर कंटिन्यूस रोड ट्रैफिक कंट्रोल मैनेजमेंट को देख के ये सारी की सारी बात की जा रही है। अब फिक्की के अभी हेड की अगर हम बात करें सो फिक्की के हेड के रूप में कौन निकल के आता है यहाँ पे? पंकज पटेल का नाम आता है, राइट। तो ये आपको ध्यान रखना है, हमने आपको फाउंडर बता दिया, फाउंडेशन भी बता दिया। अब अगर बात करें सो प्रफुल्ल पटेल, यस प्रफुल्ल पटेल की बात करेंगे यहाँ पे। तो प्रफुल्ल पटेल, अब यहाँ देखिए नाम निकल के आता है प्रफुल्ल पटेल का एज द हेड ऑफ फिक्की। सो इम्पॉर्टेंट ये ध्यान रखना है। अब बात करें यहाँ सो क्या है बातें और निकल के आती है। अब कैंडिडेट्स कंफ्यूज हैं यहाँ पे पंकज पटेल में और प्रफुल्ल पटेल में। सो एक बार यहाँ जान लेते हैं कैंडिडेट से ही कि क्या हो सकता है बेसिकली नाम। पंकज पटेल, प्रफुल्ल पटेल, प्रफुल्ल पटेल, पंकज पटेल, क्योंकि देखिए दोनों के दोनों यहाँ पे नाम निकल के आते हैं। जैसा हमने पहले कहा था कमेंट बॉक्स में आप सभी यहाँ
पे कंटिन्यूअसली टाइप कर रहे थे प्रफुल पटेल, बट यस पंकज पटेल का नाम यहाँ पे निकल के आएगा एज द हेड ऑफ विकी। तो हेड ऑफ विकी आपको हमने बता दिया, फाउंडर आपको हमने बता दिया, तो ये आपको ध्यान रखना है और आपको आगे प्रोसीड करना है इन सारे डिटेलिंग्स के साथ। लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट हेडलाइन। मून जे इन बिकेम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ साउथ कोरिया। अगैन एन इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट हमारे सामने आया है। अभी अगर आज के सेशन की बात करें तो आज के सेशन में हमने कहीं ना कहीं बहुत सारे अपॉइंटमेंट्स देख लिए और अब एक और अपॉइंटमेंट है अभी हमारे सामने। एक और अपॉइंटमेंट है किसका? सो वी हैव दैन इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट, मून जे ई का नाम निकल के आया। मून जे ई कौन है? मून जे ई है आपके न्यू प्रेसिडेंट ऑफ साउथ कोरिया। मून जे ई है साउथ कोरिया के न्यू प्रेसिडेंट। तो हाल ही में उनका भी नियुक्ति हुई है, अपॉइंटमेंट हुआ है एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ साउथ कोरिया। मून जे इन साउथ कोरिया के नए राष्ट्रपति बने हैं। सो नए राष्ट्रपति बन चुके हैं मून जे ई इन, तो आपको इनका नाम याद रखना है। और क्या इससे डिटेलिंग्स याद रखनी है? सो इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट पे सबसे पहला तो आ जाएगा साउथ कोरिया का हुआ है, साउथ कोरिया का प्रेसिडेंट के रूप में जिसका अपॉइंटमेंट हुआ है, नाम है मून जे इन। अब मून जे इन की बात हो गई है, सो साउथ कोरिया से रिलेटेड फैक्ट्स ही सिर्फ इस पे यार डिस्कस हमें करने बनते हैं। सो साउथ कोरिया के कैपिटल की बात करेंगे, सियोल। साउथ कोरिया का कैपिटल है सियोल। करेंसी की बात करेंगे तो साउथ कोरियन वॉन, डेफिनेटली साउथ कोरियन वॉन इज द राइट आंसर। सो प्राइम मिनिस्टर की बात करें, ह्वांग को एन, ह्वांग को एन का नाम यहाँ पे निकल के आया है एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ साउथ कोरिया। इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट हुआ है प्रेसिडेंट के रूप में, प्रेसिडेंट के रूप में नाम निकल के आया है मून जे इन का, तो अब आपको इनका नाम याद रखना है। इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर तो ह्वांग को एन तो आपके सामने रहेगा ही। मे बी शायद नेटवर्क इशू आ रहा है या वीडियो में कोई इशू आ रहा है, तो एक बात हम आपसे कहेंगे कि देयर इज नो सच इशू फ्रॉम आवर साइड, टेक्निकलिटीज कोई भी नहीं है यहाँ पे। आप अगर थोड़ा भी वीडियो के ऑडियो में या कुछ भी प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं, सो जस्ट रिफ्रेश द पेज, और पेज को रिफ्रेश करने के साथ ही होम पेज पे जाके दोबारा आप कनेक्ट कर सकते हैं, आप इजीली यहाँ पे कनेक्ट कर पाएंगे, राइट? तो साउथ कोरिया से रिलेटेड आपने यहाँ पे सारे के सारे फैक्ट्स देख लिए। अब बात करें, सो आगे बात करते हैं अगली हेडलाइन की तरफ। एंड एज यू ऑल आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग एंड इनिशिएटिंग ऑल द डिटेल्स, तो दैट इज रियली अप्रिशिएबल, राइट? तो चलिए बढ़ते हैं अगली न्यूज हेडलाइन की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट ये रही आपके सामने। In order to enhance bilateral maritime cooperation, the navies of India and Indonesia began a 17-day coordinated patrol and joint exercise. द्विपक्षीय समुद्री सहयोग को बढ़ावा देने के क्रम में भारत और इंडोनेशिया ने 17 दिन की समन्वित गश्त और संयुक्त अभ्यास शुरू किया। सो बात अगर करें यहाँ पे तो जॉइंट एक्सरसाइज की बात हो रही है, जॉइंट नेवल एक्सरसाइज इसको कह सकते हैं। कोऑर्डिनेटेड पेट्रोलिंग यहाँ पे होगी, दैट मीन्स कंटिन्यूअस मूवमेंट होता रहेगा। इसके अलावा जॉइंट नेवल एक्सरसाइज की बात हो रही है। सो द्विपक्षीय समुद्री सहयोग को बढ़ावा देने के क्रम में ये काम किया जा रहा है। किसके बीच किया जा रहा है? भारत और इंडोनेशिया के बीच, भारत और इंडोनेशिया। सो यस, गोविंद कुमार ने स्टार्ट भी कर दिया है सारी की सारी डिटेलिंग को शेयर करना, तो दैट इज रियली अप्रिशिएबल। बट इससे ज्यादा और क्या फैक्ट्स हम जान सकते हैं, चलिए एक बार उस पर भी नजर डाल सकते हैं। इंडिया इंडोनेशिया की बात हुई है, इंडिया और इंडोनेशिया की अगर बात यहां पे निकल के आई है, सो वी हैव द फैक्ट पेट्रोलिंग और जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज की नाम निकल के आती है। जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज की बात करेंगे, पेट्रोलिंग की बात निकल के आएगी यहाँ पे। सो इंडिया और इंडोनेशिया के बीच ये हुआ है। 17 डेज जॉइंट एक्सरसाइज इज बीइंग कंडक्टेड एट पोर्ट ब्लेयर अंडर द एजीज ऑफ द अंडमान एंड निकोबार कमांड। तो कहाँ पे ये हो रहा है, कहाँ पे ये हो रहा है, ये बात हमें ध्यान रखनी है। सो यस, यहाँ नाम निकल के आता है अंडमान एंड निकोबार कमांड का। 17 डेज जॉइंट एक्सरसाइज होगी, कंडक्ट होगा पोर्ट ब्लेयर में, अंडमान और निकोबार कमांड में। अब यहाँ पे ये क्या करेंगे? दे विल बी कैरिंग कॉर्पोरेट सक्सेसफुली। कॉर्पोरेट क्या है? अब यहाँ एक नाम निकल के आया है कि ये जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज तो है, जॉइंट नेवल एक्सरसाइज है, डेफिनेटली मिलिट्री एक्सरसाइज का ही एक फॉर्म है। सो ये कॉर्पोरेट को सक्सेसफुली कैरी करेंगे। नाउ व्हाट डज कॉर्पोरेट एक्चुअली मींस? कॉर्पोरेट का मतलब क्या होता है? तो कॉर्पोरेट का मतलब होता है कोऑर्डिनेटेड पेट्रोलिंग। एक नाम यहाँ पे हम देखेंगे कि दे वुड बी कैरिंग कॉर्पोरेट सक्सेसफुली। सो कॉर्पोरेट की बात अगर हम करेंगे, सो कोऑर्डिनेटेड पेट्रोलिंग का शॉर्ट फॉर्म है कॉर्पोरेट, राइट? तो कॉर्पोरेट के फॉर्म में इंडिया और इंडोनेशिया वहां पे काम करने वाले हैं। सो फैक्ट्स की बात करें, सो इंडोनेशिया से रिलेटेड फैक्ट्स भी आपके सामने यहां निकल के आ गए हैं। कमेंट बॉक्स में तो कंटिन्यूअसली आप बने हुए थे, दैट इज रियली अप्रिशिएबल। कैपिटल जकार्ता। करेंसी की बात करेंगे, सो इंडोनेशियन रुपी
इंडोनेशियन रुपी। और इसके अलावा प्रेसिडेंट की बात करेंगे, सो जोको विडोडो, जोको विडोडो इज द नेम फॉर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडोनेशिया। सो ये बातें यहाँ पे निकल के आ रही हैं। 17 डे जॉइंट एक्सरसाइज पोर्ट ब्लेयर में कंडक्ट हो रही है, जिसमें ना सिर्फ जॉइंट एक्सरसाइज होगी बट कॉर्पोरेट को भी कैरी किया जाएगा। और कॉर्पोरेट है आपका कोऑर्डिनेटेड पेट्रोलिंग, दैट मींस इंडिया और इंडोनेशिया के बीच कंटिन्यूअसली पेट्रोलिंग भी जारी वहां पे रहेगी। तो चलिए इसी सारी डिटेलिंग्स के साथ लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट हेडलाइन। IRCTC, बहुत ही जाना माना नाम, बहुत ही जाना माना नाम IRCTC, हैज ऑफर्ड डिलीवरी ऑफ रेल टिकट्स अलाउिंग पैसेंजर्स टू मेक पेमेंट थ्रू एनी पेमेंट मोड इंक्लूडिंग कैश। IRCTC के बारे में अगर हम बात करें, सो IRCTC ने ऑफर किया है होम डिलीवरी ऑफ टिकट्स। IRCTC ने रेल टिकटों को घर पहुंचाने की व्यवस्था शुरू की, जिसमें यात्री नकदी समेत अन्य किसी भी तरीके से भुगतान कर सकते हैं। सो बात अगर करें यहाँ पे, सो वी आर टॉकिंग अबाउट IRCTC, और IRCTC का अगर यहाँ पे कहना ये निकल के आया है, अभी तक ऑनलाइन टिकटिंग हम करते थे, घर बैठे तत्काल सर्विसेज हमने उठाई, घर बैठे हमने सारे के सारे टिकट्स ऑनलाइन, रेलवे बुकिंग या अकोमोडेशन से रिलेटेड, फूडिंग से रिलेटेड, फ्लाइट्स, कैब्स, एवरीथिंग IRCTC से रिलेटेड कहीं ना कहीं यहाँ पे जुड़ा हुआ था। तो अब IRCTC का एक मूव निकल के आया है, द डिलीवरी ऑफ रेल टिकट्स अलाउिंग पैसेंजर्स टू मेक पेमेंट थ्रू एनी पेमेंट मोड इंक्लूडिंग कैश। दैट मीन्स डिजिटलाइजेशन तो हो रहा है, कैशलेस भी बनाया जा रहा है, बट वहीं एक बात ये ध्यान रखी जा रही है कि IRCTC की टिकट्स को घर बैठे आप पा सकते हैं होम डिलीवरी के थ्रू। अब IRCTC से फैक्ट्स पे पहले बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। IRCTC ने इस मूव को क्यों किया, कैसे किया, किन किन बातों को प्रोसीड करने के लिए किया, गुड इनिशिएटिव है डेफिनेटली। तो IRCTC से रिलेटेड फैक्ट्स जैसा कि यहाँ हमें दिख भी रहा है, हेडक्वार्टर्स कैंडिडेट शेयर कर रहे हैं, दैट इज वॉट आपका न्यू दिल्ली हेडक्वार्टर्स है, ये बात बिल्कुल सही है। इसके अलावा अगर हेडक्वार्टर्स के बात करें फाउंडेशन की, IRCTC का फाउंडेशन कब हुआ था, तो हम यहां जानना चाहेंगे डेफिनेटली फ्रॉम द कैंडिडेट्स। कमेंट बॉक्स में कंटिन्यूअसली हमारी नजर है, तो बिल्कुल आप ध्यान ना रखें, राइट एंड लेफ्ट दोनों तरफ कमेंट बॉक्स में हम कैंडिडेट्स को, आप सभी के कमेंट्स को देखते चल रहे हैं सेशन के साइड बाय साइड। तो देखते हैं यहाँ पे हेडक्वार्टर तो न्यू दिल्ली आपने शेयर कर दिया, अब क्वेश्चन यहाँ पे निकल के आया है कि फाउंडेशन कब होगा, फाउंडेशन कब हुआ था IRCTC का। सो फाउंडेशन डेट और ईयर भी अगर आप मेंशन कर दे तो दैट इज वेरी नाइस। सो लेट्स सी, फाउंडेशन की बात अगर निकल के आती है कि IRCTC का फाउंडेशन कब हुआ था, सो IRCTC का फाउंडेशन हुआ था 27 सितंबर 1999 में, बिल्कुल रॉबी जंगाम, आपने बिल्कुल सही लिखा गोविंद कुमार, यू हैव ऑल्सो गिवन राइट 1999 27 September 1999 is the right answer definitely the foundation IRCTC ka hua IRCTC ek web portal hai ek app ke through bhi isko hum operate kar sakte jahan pe hum ticketing to kar hi sakte but yes we can book the accommodation we can book the fooding, that means train से travel करते time flight booking भी होती है, यहाँ पे कई सारी बातें होती है, तो आप यहाँ पे IRCTC को एक बहुत ही अच्छा traveling move पे लेते हैं। और क्या क्या initiate लिए हैं चलिए उस पे डालेंगे अब नजर। अब बहुत ध्यान से कॉन्सेंट्रेट करना स्क्रीन पे, क्योंकि पॉइंट बाय पॉइंट इस पूरी न्यूज हेडलाइन को हम समझेंगे, क्योंकि आपके लिए इंपॉर्टेंट इसीलिए है IRCTC, क्योंकि कहीं ना कहीं आप इससे जुड़े हुए हैं अपनी रेलवे टिकट्स के लिए। IRCTC थ्रू इट्स वेबसाइट एंड मोबाइल ऐप हैज नाउ इंट्रोड्यूस्ड पे ऑन डिलीवरी एज वन ऑफ द पेमेंट ऑप्शंस फॉर इट कस्टमर्स, सेड अ सीनियर IRCTC ऑफिशियल, डिलीवरिंग टिकट्स एट द कंज्यूमर्स डोरस्टेप बाय ऑफरिंग द पे ऑन डिलीवरी पॉड, जिसको हम कहते हैं POD ऑप्शन, विल फैसिलिटेट दोज कंज्यूमर्स हु बुक थ्रू ट्रैवल एजेंट्स टू मूव टू ऑनलाइन मीडियम। मतलब ट्रैवल एजेंट्स के थ्रू अगर आप अपनी टिकटिंग कराते हैं तो अब आपको घर बैठे बिल्कुल पेमेंट करने का या टिकट रिसीव करने का ऑप्शन आपके पास रहेगा। क्यों किया गया है, तो सिर्फ और सिर्फ घर बैठे आपको कन्वीनियंसी प्रोवाइड करने के लिए ये चीज़ दी जा रही है। इसके अलावा यस, जैसा कि हम जानते भी हैं कि सुरेश प्रभु जी का नाम तो बिल्कुल जुड़ा ही रहेगा, क्योंकि जब हम IRCTC की बात करते हैं सो वी काउंट मिस्टर प्रभु, क्योंकि रेलवे मिनिस्ट्री उन्हीं के साथ और उन्हीं के पास होता है। अब यहाँ पे अजय सिंह राजपूत कह रहे हैं कि सेशन बहुत टाइम ले रहा है, सो सी हम जब सारे के सारे फैक्ट्स डिस्कस करते हैं, सारे के सारे पॉइंट्स डिस्कस करते हैं, तो सेशन थोड़ा सा लंबा होना तो लाजमी
लाजमी है। बट यस, हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, तो इसीलिए आप यहाँ पे कंटिन्यूसली बने रहे। अब बात अगर करें यहाँ, तो नेक्स्ट और क्या इनिशिएट लिया गया है, इट विल ऑल्सो एनकरेज पीपल। अब जरा ध्यान से सुनेंगे, कमेंट्स के साथ तो अब बने हुए हैं, लेकिन इस न्यूज हेडलाइन की डिटेलिंग पे भी नजर डालेंगे कि इट विल ऑल्सो एनकरेज पीपल हु बुक एट रेलवे रिजर्वेशन काउंटर्स टू मूव टू ऑनलाइन मीडियम। As there is a cost and effort to reach the reservation counters, the customer will have to do a one-time registration for availing POD as a payment option. He or she will have to tender either Aadhaar or PAN card to avail this payment option. मतलब कहीं ना कहीं अभी अगर हम बात करें तो टिकटिंग की तरफ आगे बढ़ रहा है, टिकटिंग की तरफ तो हम आगे बढ़ रहे हैं, और ऑनलाइन मूव्स दैट मींस काउंटर्स की लाइन को कम, इसको आम भाषा में अगर हम समझे तो आम भाषा में इस तरीके से समझा जा सकता है कि काउंटर्स की टिकट या काउंटर्स की लाइन को कम करने के लिए किया गया है। ब्रजबान सिंह, थ्योरी बोरिंग नहीं है, थ्योरी को समझना बहुत जरूरी है, राइट? तो सारे के सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, तो फोकस इसीलिए करें। अब बात यहाँ पे क्या हो रही थी, वही कि IRCTC ने मूव लिया। पहला आपको ध्यान रखना है POD को एनहांस करने के लिए। दीपक कुमार पाल, ध्यान से सुने, वही तरीका हम बता रहे हैं, इसको कैसे याद रखें। पहला पॉइंट आपको सिर्फ ये बता रहा है कि उन कंज्यूमर्स को फैसिलिटेट करेगा जो POD के ऑप्शन को अपना सकते हैं। दूसरा, लाइन की कमी को या वहां पे काउंटर्स पे लगने वाली भीड़ को, और आपका जो एक इनिशिएट था आपको काउंटर्स पे जाने तक के लिए जो एक पर्टिकुलर खर्चा अपनी तरफ से करना पड़ता था, उस कॉस्ट को रिड्यूस कर देगा। इसके अलावा एक बात और है, POD चार्जेस कितने होंगे, अब ये तो जान लें, क्योंकि बात यहाँ देख लिया, डिजिटल इंडिया की बात हमने कर ली, और डिजिटल इंडिया के अलावा अगर बात करें सो आपके डिजिटलाइजेशन या कैशलेस मूव्स की बातें हमने कर ली, लेकिन खर्चा कितना होने वाला है उस पर भी नजर डाल ले। तो चलिए यहाँ जरा फोकस करें स्क्रीन पे। POD चार्जेस शैल बी ₹90 प्लस सेल्स टैक्स फॉर ट्रांजेक्शंस अप टू 5,000 and 120 plus tax for transactions over 5,000. मतलब 5,000 तक के ट्रांजेक्शन पे ₹90 का सरचार्ज लगेगा, और वहीं अगर हम बात करें तो 5,000 के ऊपर ₹120 का लगेगा। तो अब यहाँ पे एक्स्ट्रा चार्जेस भी तो लगेंगे ना, डिलीवरी चार्जेस जिसको हम कहते हैं, या तो फिर POD चार्जेस की अगर हम बात करें, सो यस, आपके POD चार्जेस यहाँ पे आपके सामने है ₹90 प्लस सेल्स टैक्स। अब सेल्स टैक्स तो लगता ही है, सो ये आपका रहेगा बेसिकली किस पे, 5,000 के अंदर तक में आपके ट्रांजेक्शंस के लिए, और 5,000 के ऊपर के लिए ₹120, राइट? इसके अलावा द कस्टमर विल बी लायबल टू पे द कैंसिलेशन एंड डिलीवरी चार्जेस। अगर आप रिफ्यूज करते हो और कैंसिलेशन करते हो बिफोर डिलीवरी, दैट मींस डिलीवरी से पहले इफ यू रिफ्यूज और कैंसिल द टिकट, तो फिर कस्टमर को लायबल होगा कैंसिलेशन और डिलीवरी चार्जेस पे करने के लिए। तो इतना पेमेंट हमें करना पड़ेगा, दैट मींस टिकटिंग चार्जेस नहीं होगा, टिकटिंग चार्जेस के अलावा कैंसिलेशन और डिलीवरी चार्जेस की वहां पे बात होगी। सो लक्ष्मीकांत तिवारी, डेफिनेटली ये सारे के सारे पॉइंट्स न्यूज पेपर न्यूज हेडलाइन से ही उठाए गए हैं, तो एज इट इज तो होना वहां पे बनता ही है। तो चलिए, बहुत अच्छे से हमने यहाँ पे IRCTC के इस पूरे के पूरे इनिशिएट को डिस्कस कर लिया। बढ़ते हैं इसके साथ अगली हेडलाइन पे। सीनियर NCP लीडर एंड फॉर्मर महाराष्ट्र मिनिस्टर अर्जुन तुलसीराम पवार पास्ड अवे, ही वॉज 80। अब बात करें यहाँ पे तो महाराष्ट्र के एक सीनियर मिनिस्टर का नाम निकल के आया है, ऑबिचरी सेक्शन की न्यूज हेडलाइन है, सो डेफिनेटली ऑबिचरी से रिलेटेड है, तो नाम अब यहाँ रखना है। नाम क्या याद रखना है, दैट इज अर्जुन तुलसीराम पवार। अर्जुन तुलसीराम पवार जी का हाल ही में निधन हो गया है, जिनका देहांत हुआ 80 वर्ष की आयु में। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी NCP के वरिष्ठ नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री अर्जुन तुलसीराम पवार का निधन हो गया है, वे 80 वर्ष के थे। सो बात करें यहाँ पे डेफिनेटली, सो वी आर टॉकिंग अबाउट महाराष्ट्र सीनियर मिनिस्टर की, तो अर्जुन तुलसीराम पवार जी के बारे में फैक्ट्स डिस्कस करते हैं। अर्जुन तुलसीराम पवार के बारे में अगर बात करें, सो ही डाइड रिसेंटली, 80 वर्ष की आयु में उनका निधन हुआ है। तो अब अगर बात करें अर्जुन तुलसीराम पवार के बारे में, सो द लीडर हैड रिप्रेजेंटेड कलवान, अ कॉन्स्टिट्यूएंसी रिजर्व फॉर स्केड्यूल ट्राइब्स इन नासिक डिस्ट्रिक्ट, लॉस्ट द 2014 स्टेट असेंबली इलेक्शन। अर्जुन तुलसीराम पवार जी के बारे में अगर हम बात करें, सो ये इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि इन्होंने कलवान कॉन्स्टिट्यूएंसी को रिप्रेजेंट किया नासिक डिस्ट्रिक्ट से, पर 2014 की स्टेट असेंबली इलेक्शन वो हार चुके थे। इसके अलावा एक बात और निकल के आती है कि ही वॉज द मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर ट्राइबल वेलफेयर इन द कांग्रेस NCP गवर्नमेंट लेड बाय विलास राव देशमुख इन 1999 में। विलास राव देशमुख जी की सरकार के दौरान ये ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्ट्री को राज्य प्रभार के रूप में संभाल रहे थे।
महाराष्ट्र से रिलेटेड फैक्ट्स आज की डेट में अगर डिस्कस करें तो यस, एक बार बिल्कुल हम बात करेंगे महाराष्ट्र से रिलेटेड फैक्ट्स पे। महाराष्ट्र की कैपिटल मुंबई, एज यू ऑल नो। अगर चीफ मिनिस्टर की बात करें तो मिस्टर देवेंद्र फडणवीस का नाम निकल के आता है एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र। इसके अलावा गवर्नर की बात करेंगे महाराष्ट्र के, सो गवर्नर कौन है? सी विद्यासागर राव की बात आती है यहाँ पे निकल के। डेफिनेटली रॉबी जंगाम, अनीशा, यू ऑल आर राइट विथ ऑल योर फैक्ट्स इन द कमेंट बॉक्स। 80 वर्ष के अर्जुन तुलसीराम पवार जी का निधन हुआ, महाराष्ट्र स्टेट से बिलोंग करते थे, क्यों इंपॉर्टेंट थे, यहाँ पे आपके सामने सारे के सारे फैक्ट्स हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र से रिलेटेड फैक्ट्स तो हमने ओरली और आप सभी ने कमेंट बॉक्स में डिस्कस कर ही लिए, तो चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ अगली हेडलाइन की तरफ। देखते हैं व्हाट इज द नेक्स्ट हेडलाइन। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लॉन्च द इंटीग्रेटेड केस मैनेजमेंट सिस्टम of the Supreme Court in the presence of Chief Justice of India. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के प्रधान न्यायाधीश की मौजूदगी में उच्चतम न्यायालय की एकीकृत मुकदमा प्रबंधन प्रणाली की शुरुआत की। सो बात करें यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर का इनिशिएट निकल के आया, और जैसा कि आपको दिख भी रहा है कि किसके प्रेजेंस में हुआ है, द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। फैक्ट्स पे बढ़ने से पहले आप सभी से कमेंट बॉक्स में जानेंगे यहाँ पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया किसका नाम निकल के आता है। हाल ही में हमने अपॉइंटमेंट्स में डिस्कस भी किया था, नए चीफ जस्टिस का नाम हमने जब अपॉइंटमेंट्स में डिस्कस किया था कौन थे, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के प्रेजेंस में नरेंद्र मोदी जी ने इस इनिशिएट को लिया है। कमेंट बॉक्स में हम इंतजार कर रहे हैं आप सभी से कि आप जल्दी से टाइप करें। और गोविंद कुमार बिल्कुल इसमें इनिशिएट रहे हैं, जेएस खैर का नाम निकल के आया है, राइट, जेएस खैर, लक्ष्मीकांत तिवारी जी, जेएस खैर, बिल्कुल आपने सही लिखा है। ममून जी, हमने आपसे यही तो क्वेश्चन पूछा था कि हु इज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो बिल्कुल यहाँ पे अगर बात करें सो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जेएस खैर का नाम निकल के बिल्कुल आया है। अब जेएस खैर के प्रेजेंस में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया है इंटीग्रेटेड केस मैनेजमेंट सिस्टम सुप्रीम कोर्ट के लिए। अब इंटीग्रेटेड केस मैनेजमेंट सिस्टम क्या काम करेगा, तो चलिए उस पर डालते हैं नजर। सबसे पहले बात वही है, सिस्टम विल हेल्प लिटिजेंट्स एक्सेस डेटा एंड रिट्रीव इंफॉर्मेशन ऑनलाइन एंड विल बी अ स्टेप टुवर्ड्स अ पेपरलेस सुप्रीम कोर्ट। तो मोदी जी का इनिशिएट पेपरलेस बनाने का, डिजिटलाइज करने का और ऑनलाइन करने का पूरा सुप्रीम कोर्ट को अगर हम इंक्लूड करें यहां पे, तो सुप्रीम कोर्ट की इस इनिशिएट को इंक्लूड ही मोदी जी द्वारा किया गया है, क्योंकि लिटिजेंट्स अब एक्सेस कर पाएंगे सारे के सारे डेटा को, सारी की सारी इंफॉर्मेशन को ऑनलाइन, और वो पेपरलेस फॉर्मेट में सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग्स को आगे बढ़ा पाएंगे। दैट मीन्स इनिशिएट की बात करें सो इनिशिएट आपका कहीं ना कहीं किस तरीके से निकल के आया है, सुप्रीम कोर्ट को भी ऑनलाइन करने के लिए ये आगे प्रोसीड किया है। और क्या करेंगे मोदी जी, तो इट विल हेल्प यूजर ट्रांसपेरेंसी, रिड्यूस मैनिपुलेशन एंड हेल्प द लिटिजेंट टू नो अबाउट द प्रोग्रेस ऑफ द केस ऑन अ रियल टाइम बेसिस। मतलब घर बैठे क्या होता है, कई बार कैसा केस चल रहा है, कब उसकी डिटेलिंग होगी, कब उसके डेट्स मिलेंगे, क्या उस पे ऑथराइजेशन हुआ, क्या उस पे आगे बढ़ा, प्रोसीजर कितना आगे बढ़ पाया, नहीं बढ़ पाया, तो इन सारी बातों को घर बैठे आप ऑनलाइन मोड में ध्यान रख पाएंगे। सो और इसी को इनिशिएट किया है मोदी जी ने सुप्रीम कोर्ट को ऑनलाइन बनाने के तहत। एक काम और होगा इस पे कि एवरी सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट विल नो इफ दे हैव बीन मेड पार्टी टू द केस एंड हेल्प देम प्रिपेयर अकॉर्डिंगली। द कोर्ट फी एंड प्रोसेस फी विल बी कैलकुलेटेड ऑनलाइन। मोस्ट इंपॉर्टेंट, कोर्ट की फीस कितनी होगी, प्रोसेसिंग की फीस कितनी होगी, इसको आप ऑनलाइन कैलकुलेट कर पाएंगे, विच विल हेल्प द लिटिजेंट अबाउट द कॉस्ट इन्वॉल्व। तो मतलब अब कोर्ट की प्रोसीडिंग्स भी आने वाले समय में पेपरलेस हो जाएंगी। इसके अलावा डिजिटल सुप्रीम कोर्ट हमारे सामने निकल के आएगा, और सुप्रीम कोर्ट की अगर बात करें सो यस, अगर सुप्रीम कोर्ट डिजिटल हो जाएगा, ऑनलाइन हो जाएगा, तो सारे के सारे प्रोसीडिंग, सारे के सारे कोर्ट्स में ये बहुत ही अच्छे से पेपरलेस मूव पे हो जाएगा। तो किसी भी पार्टी जो कि कोर्ट में केस की तरफ से बात आती है, उसको ऑनलाइन घर बैठे डील आउट कर पाएंगे, उनका केस कितना आगे बढ़ा,
कॉस्ट इन्वॉल्वमेंट कितना है, ये सारा का सारा ऑनलाइन कैलकुलेशन हो पाएगा। तो जे एस कहर जी के प्रेजेंस में मोदी जी ने ये इनिशिएट लिया, और इनिशिएट लेने के साथ ये सारे पॉइंट्स को मद्देनजर रख के आगे के पॉइंट्स की प्रोसीडिंग्स की काम करी। तो चलिए यहाँ पे अगर बात करें, सो डेफिनेटली ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे आज जो हमने डिस्कस किए न्यूज हेडलाइंस के साथ। तो डेफिनेट ये सारे के सारे एस्पेक्ट्स प्रोस्पेक्ट्स को आप दोबारा देखेंगे, आज इस सेशन को जब रिकॉर्डेड फॉर्मेट में ये आपका अपलोड हो जाएगा। अब इसके बाद धीरज चौधरी जी, पर्सनल रिक्वायरमेंट्स मोदी जी पूरी बिल्कुल नहीं कर सकते, ये ध्यान रखें। जो हमारी पर्सनल रिक्वायरमेंट्स होती है उन पे हमें खुद ही काम करना पड़ता है। मोदी जी देश के लिए काम कर रहे हैं, यूथ के लिए काम कर रहे हैं, आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं, तो उस पे आपको फोकस करना है, कॉन्सेंट्रेट करना है, राइट। जोक्स अपार्ट, बारी है क्वेश्चन आंसर्स पे बढ़ने की। इन सारे न्यूज हेडलाइंस को डिस्कस करने की थ्रू द क्वेश्चन आंसर्स पार्ट, कैसे और किस तरीके से इस पे क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, तो चलिए देखते हैं। इसका पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन की अगर हम बात करें, सो यस, नेम द इंडियन वुमन हु बिकेम द हाईएस्ट विकेट टेकर इन हिस्ट्री ऑफ वन डे इंटरनेशनल्स। कौन सी भारतीय महिला क्रिकेट एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय इतिहास में सर्वाधिक विकेट लेने वाली गेंदबाज बन गई हैं? झूलन गोस्वामी, मिताली राज, तिरुष कामिनी, पूनम राउत, शिखा पांडे। सो बात अगर करें यहाँ पे किसका नाम यहाँ पे दर्ज हुआ है एज द हाईएस्ट विकेट टेकर, सो लेट्स सी डेफिनेटली बात करें यहाँ पे आंसर्स की, आंसर कमेंट बॉक्स में कंटिन्यूअसली डालें। एंड धीरज चौधरी, डोंट बी सॉरी फॉर दैट, क्योंकि आपका हमारा इंटरेक्शन इंपॉर्टेंट है, आप सभी यहाँ पे कमेंट करते हैं, हम सभी को अच्छा लगता है कि यू ऑल आर इन्वॉल्व विद अस, सो डोंट फील सॉरी, डोंट से सॉरी। सिर्फ एक नहीं, सारे एस्पायरेंट से हम कह रहे हैं कि ये आप ही का सेशन है, आप ही के इन्वॉल्वमेंट का है, तो इतना तो आप लोग यहाँ डेफिनेटली कमेंट्स कर ही सकते हैं। तो चलिए आंसर की बात करेंगे। ऑप्शन नंबर वन की बात आई है यहाँ निकल के, झूलन गोस्वामी। सो यस, झूलन गोस्वामी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर वन करेक्ट है बिल्कुल। सो ऑप्शन नंबर वन के साथ लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, सो आपके सामने रहा, किस राज्य ने धर्मशाला में स्काईवे परिवहन सुविधा शुरू करने के लिए बेलारूस की एक कंपनी के साथ समझौता किया? Which state signed an agreement with a Belarusian company for starting a skyway transport facility in the tourist destination of Dharmshala? किस स्टेट ने, किस राज्य ने इनिशिएट किया? अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, मेघालय या असम? So quickly type your answers in the comment box. जल्दी से देखते हैं यहाँ पे आंसर क्या आता है। किस स्टेट ने इनिशिएट किया है बेलारूस की कंपनी के साथ? So yes, option number two, हिमाचल प्रदेश is the right answer. Let's proceed to the next question. Who has been appointed as the managing director and chief executive officer of IOB, Indian Overseas Bank के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राकेश सेठी, उषा अनंत सुब्रमण्यम, आर सुब्रमणि कुमार, किशोर खराट या महेश कुमार जैन? तो किसका नाम निकल के आता है यहाँ पे एज द न्यू एमडी एंड सीईओ ऑफ आईओबी, जो कि फॉर्मर ईडी थे, फॉर्मर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे आईओबी के, तो किसका नाम यहाँ पे निकल के आया? सो लेट्स सी द आंसर इन द कमेंट बॉक्स। बिल्कुल कैंडिडेट्स आप सही हैं, आर सुब्रमणि कुमार का नाम यहाँ निकल के आता है, दैट इज ऑप्शन नंबर थ्री। तो आर सुब्रमण्य कुमार इज द राइट आंसर पर्टिकुलर फॉर दिस क्वेश्चन। सो लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सीनियर डिप्लोमेट वेनु राजमोनी, करेंटली द प्रेस सेक्रेटरी टू प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी, हैज बीन अपॉइंटेड एज इंडियाज एम्बेसडर टू। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के प्रेस सचिव एवं वरिष्ठ राजनयिक वेनु राजमणि को किस देश के लिए भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? सो ऑप्शंस इन फ्रंट ऑफ यू ऑल, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, नीदरलैंड या टर्की? तो यहाँ देख पा रहे हैं हम लोकेश, राकेश, पल्लवी, एवरीबडी इज आंसरिंग, सभी कोई आंसर कर रहा है, तो जल्दी से आंसर करके बताइए, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, नीदरलैंड या टर्की? सो डेफिनेटली टीना आपका नाम भी हमने ले लिया, आंसर जल्दी से करके बताएं। ऑप्शन नंबर फोर डेफिनेटली राइट इज द राइट आंसर, नीदरलैंड्स के लिए नियुक्त हुए हैं राजमणि एज द एम्बेसडर फ्रॉम इंडिया, राइट। तो लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की अगर बात करें, सो अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, Which state has won FICCI Smart Policing Award for 2017 in the Road Safety and Traffic Management category? किस राज्य ने 2017 के लिए सड़क सुरक्षा और यातायात प्रबंधन श्रेणी फिक्की का स्मार्ट पुलिस पुरस्कार जीता है? पंजाब, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र या उत्तराखंड? सो डेफिनेटली क्विकली टाइप योर आंसर इन द कमेंट बॉक्स। किस राज्य, किस स्टेट की बात हो रही है फिक्की के स्मार्ट पुलिसिंग अवार्ड के लिए 2017 का? किसको रोड सेफ्टी ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए अवार्ड मिला है? सो यस, वी हैव द राइट आंसर,
अभिषेक आपका नाम भी ले लिया, बट आंसर जल्दी से कर दे वहां पे। ऑप्शन नंबर फाइव, ऑप्शन नंबर फाइव डेफिनेटली यस, ऑप्शन नंबर फाइव इज द राइट आंसर, उत्तराखंड। तो उत्तराखंड पुलिस को मिल रहा है फिकी का स्मार्ट पुलिसिंग अवार्ड। बढ़ते हैं इसी के साथ टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Who became the new president of South Korea? दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति के रूप में कौन उभर के सामने आए हैं? किन्होंने राष्ट्रपति चुनाव जीत लिया है? मून जे इन, पार्क गुइंगे, ली मिंगवाक, किम योंग सैम, किम जोंग उन। तो नाम देखें यहाँ पे डेफिनेटली थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड है प्रोनाउंसिएशन में, बट साउथ कोरिया के नए राष्ट्रपति के रूप में कौन आया है? आंसर यस इन द कमेंट बॉक्स, आई कैन सी वेरी वेल। ऑप्शन नंबर वन मून जे इन, और पार्क गुइन हीन को इनने रिप्लेस किया है, राइट? तो मून जे इन जो है अब है नए राष्ट्रपति साउथ कोरिया के। सो लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। In order to enhance bilateral maritime cooperation with whom India has begun a 17-day coordinated patrol and joint exercise, द्विपक्षीय समुद्री सहयोग को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ भारत ने 17 दिवसीय समन्वित गश्ती और संयुक्त अभ्यास शुरू कर दिया है? टर्की, इंडोनेशिया, स्लोवेनिया, स्वीडन या बेल्जियम। तो किसके साथ किया है? सो यस आंसर्स इन द कमेंट बॉक्स, टाइप इट क्विकली। इंडिया ने किया है इंडोनेशिया के साथ, जो कि कंटिन्यूअसली कॉर्पोरेट को भी इंक्लूड करेगा। सो यस ऑप्शन नंबर टू इज द राइट आंसर फॉर पर्टिकुलर दिस क्वेश्चन। लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट वन। हु इज द चेयरमैन ऑफ रेलवे बोर्ड ऑफ इंडिया? बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन यहाँ पे निकल के आया डिटेलिंग में, जिसको हमने यहाँ शेयर किया भी था आपके साथ। रेलवे बोर्ड ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन है? रेलवे मिनिस्टर के नाम पे हमने बात की थी, बट अब हम यहाँ आपसे पूछ रहे कि हु इज द चेयरमैन ऑफ रेलवे बोर्ड ऑफ इंडिया, रेलवे बोर्ड ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन है? सुरेश प्रभु, जुआल ओराम, ए के मित्तल, नवीन जिंदल, अशोक गुलाटी। तो जल्दी से देखे आंसर क्या आता है आप सबकी तरफ से इन द कमेंट बॉक्स, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। जल्दी रेलवे बोर्ड ऑफ इंडिया के रूप में कौन आएगा, किसका नाम यहां निकल के आएगा? सुरेश प्रभु, जुआल ओराम, ए के मित्तल, नवीन जिंदल या अशोक गुलाटी? सो लेट्स सी ऑप्शन नंबर थ्री, प्राची, राजू, विनीत, एवरीबडी यस, ए के मित्तल। ऑप्शन नंबर थ्री इज द राइट आंसर, ए के मित्तल जो है वो है चेयरमैन ऑफ रेलवे बोर्ड ऑफ इंडिया, रेलवे मिनिस्टर है सुरेश प्रभु, राइट? तो चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अर्जुन तुलसीराम पवार रिलेटेड टू विच फील्ड? अर्जुन तुलसीराम पवार किस क्षेत्र से संबंधित हैं? जर्नलिज्म, लिटरेचर, म्यूजिक, पॉलिटिक्स या सिनेमा? सो बिल्कुल पूर्व राज्य मंत्री अर्जुन तुलसीराम पवार की जब बात आएगी सो डेफिनेटली पॉलिटिक्स, राजनीति से संबंधित हैं। ऑप्शन नंबर फोर वुड बी द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन। Who has launched the integrated case management system of the Supreme Court in the presence of Chief Justice of India? भारत के मुख्य न्यायाधीश की उपस्थिति में किसने सुप्रीम कोर्ट की एकीकृत केस मैनेजमेंट सिस्टम लॉन्च किया है? किसने किया है? जे एस खेर के प्रेजेंस में किसने? तो वही होगा जो डिजिटाइजेशन को हर तरफ प्रमोट कर रहा है, वही होगा जो ऑनलाइन मोड को प्रमोट कर रहा है, सुषमा स्वराज, एच एल दत्तू, जे एस खेर, प्रणब मुखर्जी या नरेंद्र मोदी? सो यस द राइट आंसर इज अनडाउटेडली द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, द रिस्पेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, मिस्टर नरेंद्र मोदी। मोदी जी का नाम इस क्वेश्चन का आंसर डेफिनेटली होगा। सो इसी क्वेश्चन के साथ वील एंड अप दिस सेशन। आपका कोऑपरेशन, आपका सपोर्ट, आपका इनिशिएशन इन द कमेंट बॉक्स इन्वॉल्वमेंट, दैट इज रियली अप्रिशिएबल एंड कमेंडेबल, जिसके लिए हम तहे दिल से पूरे टीम की तरफ से आपको बहुत ही ज्यादा धन्यवाद करते हैं, क्योंकि आप हर सेशन में बने होते हैं, दैट इज रियली अ सपोर्ट टू अस। डू नॉट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द लाइक बटन बिफोर गेटिंग ऑफलाइन, कमेंट जरूर कीजिएगा सो दैट वी कैन वर्क ऑन द इम्प्रोवाइजेशन। जैसा कि हमने कहा MCA की डिजाइनिंग पे काम चल रहा है, तो जल्दी ही आपको इसका एक नया फॉर्मेट देखने मिलेगा। शेयर जरूर कीजिएगा ताकि आपके सारे फ्रेंड्स इस न्यूज हेडलाइंस से, फिल्टरेड फॉर्मेट से फायदा उठा पाए। न्यू व्यूवर्स, डू नॉट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द सब्सक्रिप्शन बटन टू बिकम द सब्सक्राइब व्यूवर टू गेट द ईजी एक्सेस ऑफ ऑल आर अपकमिंग वीडियोज। कहीं मत जाइएगा, थोड़ी ही देर में डिजिटल क्लासरूम के साथ हम लौटेंगे। द डिजिटल क्लासरूम नॉनस्टॉप SBI PO मेंस के लिए 9 बजे से क्लास सेशन स्टार्ट होगा। पिछली बार कुछ ग्लिचेस की वजह से वो क्लास कंडक्ट नहीं हो पाएगी, तो टुडे विल बी द फर्स्ट सेशन ऑफ SBI PO मेंस क्लासेस। तो कहीं मत जाइएगा, बने रहिए। इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, कंप्यूटर्स, 1 बजे तक ये 5 सब्जेक्ट्स आपको पढ़ना है हमारे साथ। थोड़ा सा पानी पी आइए, रेस्ट कराइए और इंग्लिश गुरु के साथ जुड़ जाइए, क्योंकि आपको सफल होना है। यू हैव टू गेट सिलेक्टेड दिस टाइम, बिकॉज यू नो वी एक्चुअली मीन फ्रॉम आर हार्ट, योर सक्सेस इज आर सक्सेस।
खुश रहिए, ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, भूलिएगा मत। कल फिर मुलाकात होगी एमसीए के सेशन में आप सभी से सुबह 8 बजे। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब करें महिंद्रा गुरु यूट्यूब चैनल को। अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करें ताकि आपको सारे वीडियोस का अलर्ट मिलता रहे। थैंक यू।